अच्छा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक इन टू द क्लास ऑफ SSP। सो आज मेरे पास लेक्चर के लिए कोई टॉपिक नहीं है, बट आज का जो विषय है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसे फील अगर आपने कर लिया तो दूसरी दुनिया में आप चले ही जाएंगे। सो लगभग देखा जाए तो हमारे पास अप्रॉक्स देखा जाए तो 100 डेज है, और क्या ये 100 डेज के अंदर JEE मेन 2020 पॉसिबल है क्रैक करना? बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई भी शक नहीं है, आराम से पॉसिबल है, सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वह है सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आपको अभी तक ये आभास ही नहीं हुआ है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो और कितने टाइम में मुझे कितना गेट करना है, कितना ग्रैब करना है, तो फिर कोई मतलब नहीं है इस बात को सुनने का। ये उन बच्चा लोगों के लिए है जो दिल से मेरी बात को सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। सबसे ज़रूरी ये है, मैं आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसी पर डिस्कस करूँगा कि JEE मेन 2020 खास करके जनवरी के लिए ये मैंने पूरा प्लान रेडी किया है आप लोगों के लिए। ऑल राइट, लेक्चर्स तो होने ही वाले हैं, लेक्चर्स तो इस चैनल पे कहीं जाएंगे नहीं, वो तो रहेंगे, लेकिन ये विषय जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लगा मुझे, इसलिए मैंने कहा चलो आज आप लोगों के सामने ये बात रखा जाए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं ये जो प्लान आप लोगों के सामने रख रहा हूँ वो जनवरी 2020 के लिए है, अपकमिंग एग्ज़ाम आपकी JEE मेन्स के लिए है। हाँ, बोर्ड की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, नीट के लिए क्या करनी है, उसकी एक अलग सेपरेट वीडियो होगी, बट ये JEE के लिए खास करके है। देखा जाए तो आप लोगों के पास में अब समय रह गया है, सितंबर ऑलमोस्ट जा चुका है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, और बचा हुआ जनवरी का स्टार्टिंग का एक वीक, ऑलमोस्ट 10 जनवरी से आप लोगों की एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 3 महीने के अंदर यानी लगभग 100 दिन के अंदर हम क्या करें, कैसी स्ट्रेटेजी अपनाएं कि जिसकी वजह से हम अपने टारगेट तक पहुँच पाएँ, तो ये तभी पहुंचा जा सकता है बच्चा लोग जब आप इस बात को समझ पाओ कि मेरे पास समय कितना है। इस वीडियो को रोक करके जरा आप अपने आप से एक सवाल करिए कि आपको आभास हो पा रहा है या आप फील कर पा रहे हो कि वाकई में 100 डेज है। तो इस 100 डेज के अंदर आपको किस तरह से करना चाहिए, कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी, मेन मुद्दा तो यही है मेरा इस आज के टॉपिक पे कि आपको मैं बता दूं कि कौन से बुक्स अच्छे रहेंगे, क्योंकि बहुत बार मुझे ये कमेंट में मिला है और बहुत बार मुझे इंस्टाग्राम पे भी ये पूछा जा चुका है कि सर विच बुक इज़ बेस्ट फॉर दिस JEE। तो चलिए बने रही। ऑलराइट बच्चा पार्टी, तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि JEE मेन 2020 के अंदर जो चेंजेस NTA ने किए हैं वो क्या है। हालांकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, बहुत सारे जगह से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल ही चुका है कि क्या चेंजेस है, बट इस जो भी चेंजेस हुआ है ना, इसके पीछे आप सिर्फ एक ही थॉट रखो, पॉजिटिविटी। ये मत सोचिए कि अचानक ही कैसे चेंज हो गया, अब हम ही लोगों पे होना था। बहुत सारे मैं जिस जहाँ पे लेक्चर लेने जाता हूँ वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हम जिस बैच में आते हैं उसी बैच में सारे चेंजेस होते हैं, हम 10th खत्म करके 11th में गए तो वहाँ पर चेंजेस आना शुरू हो गए, फिर हमारे टाइम में ही ऐसा हो रहा है कि लैब जो है स्कूल में होने वाली है, बाहर जाने वाला है, ऐसी सिचुएशन लोग सोचते हैं। बट ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं, देखो जो भी चीज़ होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। पहली बात तो अपने मेमोरी कार्ड के अंदर ये आप स्टोर कर लो, और देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ये आप लोगों के लिए, गुड न्यूज़ है। कहाँ पहले JEE मेंस के अंदर 30 क्वेश्चन हुआ करते थे और सभी क्वेश्चन की माइनस मार्किंग थे, अब वो बर्डन हट करके सिर्फ 25 क्वेश्चन का ही है। आप सोचिए टाइम अगर कम किया होता एग्ज़ाम में तो थोड़ी सी समस्या आपको बढ़ सकती थी, लेकिन यहाँ पर टाइम को भी बिल्कुल कम नहीं किया गया है। टाइम वही है जो पहले मिलता था एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, और उसी टाइम में क्वेश्चन भी कम हो गए, तो ये एक पॉजिटिविटी है। आप बिल्कुल मत सोचिए कि क्यों हमारे साथ ही हुआ, आप ये सोचिए कि आपके टाइम पे बहुत बेहतरीन चेंजेस है ये NTA की तरफ से। पहले आप देखिए 30 क्वेश्चन आप सॉल्व किया करते थे, लेकिन इस बार आपको JEE मेंस के अंदर सिर्फ 25 क्वेश्चन फिजिक्स में, 25 केमिस्ट्री में, और 25 जो क्वेश्चन है वह आपको मैथ्स के अंदर सॉल्व करना है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई, अगर आप 30-30 लेकर के चलते तो 30 क्वेश्चन का बर्डन अलग होता है यार। पहले आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे, नाउ यू हैव टू सॉल्व ओनली 75 क्वेश्चन इन द सेम टाइम। और इसके साथ एक और बड़ी एडवांटेज है, एडवांटेज ये है बच्चा लोग कि पहले हर एक क्वेश्चन का माइनस मार्किंग होता था, गलत करने पर सही करने पर 4 मार्क्स मिल जाते थे, और अगर गलत करते थे तो 1 मार्क्स आपके जो आने वाले हैं उसमें से माइनस हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार उसमें भी आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। बेस्ट थिंग इज दैट कि ये 25 क्वेश्चन जो हर एक सब्जेक्ट के हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं और 5 जो क्वेश्चन है यानी टोटल 20 मार्क्स का वो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, वो इंटीजर टाइप है, यानी जिस तरह से JEE एडवांस में सवाल पूछे जाते हैं, यानी उसमें फ्रीडम है कि आप उसमें कुछ ना कुछ तो कर सकते हो। बेस्ट थिंग ये है कि उसकी माइनस मार्किंग नहीं है,
अगर किसी वजह से आपका टॉपिक वो रह गया था और वही टॉपिक 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ 5 जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इंटीजर टाइप के, उसमें से एक क्वेश्चन वो फंस गया जो आपको नहीं आ रहा था, बट अगर आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला या कुछ पता है जैसे आप नॉर्मली बोर्ड्स में करते हो, तो आप उसको एटलीस्ट अटेंड कर सकते हो। सही हो गया तो फुल मार्क्स, गलत हुआ तो कोई बुराई वाली बात वहाँ पर नहीं है, उसकी कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी हुई, आपके साथ ही हुआ है, ये अच्छे के लिए हुआ है ऐसा मान लो। दूसरा, पहले 30 क्वेश्चन का बर्डन हुआ करता था, नाउ यू हैव टू सॉल्व ओनली 25 क्वेश्चन इन द सेम टाइम इंटरवल। सो ये बड़ी चेंजेस हैं जो आप लोगों को अपने मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर कर लेनी है, ठीक है। अब मेन मुद्दे की मैं बात करता हूँ, ये चैलेंज 100 डेज का है। मैं उन बच्चा लोगों की बात कर रहा हूँ जो कहीं पर भी जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी करते हो, खुद से ही वीडियोस देख करके करते हो, चाहे यहाँ से देख रहे हैं ज्ञान, चाहे जहाँ से मिले ना, हर जगह से लेना चाहिए। अगर आप SSP के स्टूडेंट्स हो, SSP के बच्चा पार्टी हो, तो यू नो मैं हमेशा कहता हूँ ज्ञान जहाँ से मिले ना वहाँ से उठा लो, चाहे यहाँ से, चाहे कहीं और से, कहीं से भी बच्चा लो, ज्ञान को बस आपको एक्सेप्ट करना है। तो ये चीज़ को आप अपने मेमोरी कार्ड के अंदर पहले स्टोर करिए कि ये एक चैलेंज है, JEE मेन 2020 ये आपके लिए चैलेंज है और ये लाइफ का पहला ही चैलेंज है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसके बाद और कोई चैलेंज नहीं आने वाले लाइफ में, तो गलत बात है। ये आपको बहुत सारे लाइफ में ऐसे चैलेंज आएंगे ही आएंगे और सभी को हंस करके सामना करना है। क्रैक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्रैक नहीं हुआ तो निराश भी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ये कागज की रद्दी आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले नहीं है। बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा खुद को, और वो चीज़ बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सर हमें तो देना ही नहीं, आपने कहा कि कागज की रद्दी ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी है कि आप उसको दिल से करो, तैयारी उसकी करिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक चैलेंज है। देखो जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना बच्चा लोग, तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखो। जब तक आप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, लाइफ में कुछ भी मिलने वाला नहीं। किसी भी बड़े लोगों की बात कर लीजिए, क्या उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया? पहला चैलेंज तो कुदरत से ही आता है यार। आप विराट कोहली का एग्जाम्पल ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनके लाइफ में चैलेंज आए हैं और उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, तभी आज वो इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। बस यही कुछ आप लोगों को करना है कि ये जो 100 दिन बचे हुए हैं, इसके अंदर सबसे पहले मेमोरी कार्ड के अंदर इस बात को स्टोर कर लेना है कि मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है। मेंटली यू हैव टू प्रिपेयर बच्चा पार्टी। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे ना, तब तक मेरी बातें बकवास लगेंगी, चाहे मैं नहीं, चाहे दुनिया का कोई भी बहुत बड़ा मोटिवेटर हो, मैं अपने आप को मोटिवेटर नहीं मानता, मैं एक सिंपल सा एक छोटा सा टीचर हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं, प्यार मिलता रहता है, इस वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। तो कोई भी, आप किसी से भी बातें सुन लीजिए, जब तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं जागने वाला ना कि मुझे ये करना है, एंड आई हैव टू डू इट और आई हैव टू टेक द चैलेंज, यू कांट डू इट। कितनी भी बातें किसी की भी आप सुन लीजिए, थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगेगा, बट उसके बाद अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहला काम, अगर आप ये वीडियो देखोगे, इसके तुरंत बाद ये सवाल अपने दिमाग से करना, अपने आप से करना कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, मेरी प्रिपरेशन कहाँ पर है। कोई बात नहीं, जो भी था, तेल लेने जाए, भाड़ में जाए, बट द रियलिटी इज दैट कि इन द 100 डेज, अब आगे आने वाले 100 दिनों में मुझे अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि जब तक आप वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और JEE मेन जनवरी 2020 को दे डालिए आप बिंदास होकर के, कोई बुराई उसके अंदर नहीं होगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ऐसा मान करके आप करिए। अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है तो अभी तो आपको जागना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। सेकेंड थिंग इज दैट बच्चा पार्टी की किस तरह से आपको स्टार्ट करना चाहिए। देखो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ भाई, क्योंकि मुझे फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मुझे फिजिक्स के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। केमिस्ट्री और मैथ्स, इस फंडे को आप अप्लाई कर सकते हो जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ही नॉर्मल है, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बाकी के दोनों सब्जेक्ट में भी काम आएंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपका जो स्टडी रूम है, उसके अंदर पूरा का पूरा रूम, पूरा कमरा जो है, वो सब कुछ फिजिक्स के फॉर्मूले से भर दीजिए, हर जगह पर। हर जगह मतलब हर जगह पर, यही वो समय है जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये फॉर्मूला, जब आप उसे बार बार देखेंगे ना, वो आपके दिमाग में स्टोर रहेगा। एंड फिजिक्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूला, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, फिजिक्स इज ऑल अबाउट हाउ यू आर टेकिंग दैट प्रॉब्लम, और वो तभी पॉसिबल है जब आपके दिमाग में सारे फार्मूला होंगे। जब तक आपको हीट ट्रांसफर में क्यू इज इक्वल टू के ए टी वन माइनस सी टू अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय टी अप्लाई करना है, वो इक्वेशन नहीं याद होगा, तो भी आप हीट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं है। इसलिए फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, और वो फार्मूले को याद करने का बच्चा लोग, ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने स्टडी रूम के अंदर हर जगह पर फिजिक्स का एक मस्त वाला चार्ट बनाइए
और चिपका दीजिए और उसे रोज देखिए, सुबह शाम दर्शन करिए, उसे देखते रहिए, वो आपके दिमाग के अंदर स्टोर होता चला जाएगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात है, स्टार्ट द रिविजन ऑफ क्लास 11 एंड कंटिन्यू विथ क्लास 12। अब जो लोग क्लास 12 के अंदर हैं, अभी हर जगह पर सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ होगा, मैं भी कोचिंग में जाता हूँ, क्लास लेता हूँ, तो मुझे भी पता है कि अभी भी मॉडर्न फिजिक्स और सब कुछ बाकी होगा। तो क्लास 12 जो चल रहा है ना, वो तो कंटिन्यू रहेगा, उसके साथ आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके क्लास 11 की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप क्लास 12 में हैं, क्लास 11 आपने पढ़ा है, बट वो माइंड से जा चुका होगा 101%। जब तक आप उसे रिकॉल नहीं करेंगे वो आएगा नहीं। इसके लिए आप कोई ऐसे सोर्स उठाइए जहाँ पे क्विक रिविज़न हो जाए, क्विक व्यूज़ आपको मिल जाए फटाफट कि ये चैप्टर था तो ये ऐसा होगा। इस चैनल पर मैंने कुछ बनाए हुए हैं क्विक रिव्यू करके, जैसे ग्रेविटेशन का है, रोटेशनल मोशन का है, क्लास 11 की मैं बात कर रहा हूँ, लॉस ऑफ मोशन ये सब चली रहा है, तो आप इस चैनल में भी देख सकते हो या फिर कहीं से भी आप देख सकते हो, आपको जहाँ पर भी अच्छा लगे देख सकते हो। बट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्लास 11 को बच्चा लोग क्लास 12 के साथ पैरेलल नहीं रखेंगे ना, तब फिर कोई मतलब है नहीं, फिर तो क्लास 11 से भी क्वेश्चन आने वाला है ना। दैट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लास 11 से भी आएगा जेई में, क्लास 12th में भी आएगा, तो क्लास 12th वाला तो आपके दिमाग में है, अभी चल ही रहा है, लेकिन क्लास 11 वो पूरा जा चुका है, तो उसको स्टार्ट करिए गेन करना, और वो तभी कर पाएंगे जब आप रिविजन स्टार्ट करेंगे। तो रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ क्लास 11। नंबर 4, लास्ट ईयर के पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा जरूरी तो और कुछ भी नहीं हो सकता है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन को आप जरूर करिए, 2019 के क्वेश्चन, 2018 के क्वेश्चन, उससे पहले के, कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करना ही है। वो आप करेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, साथ में आपको ये भी रियलाइज होगा कि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था, मुझे नहीं आ रहा है, इस चैप्टर का क्वेश्चन है, करेंटली मैंने अभी करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा बट फिर भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे प्रिपरेशन में कमी है। आप जब तक खुद को ये समझा नहीं पाओगे ना कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, तब तक बच्चा लोग कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको फील करना यार, कि सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हो और वो आप जेई को क्रैक करने की चाहत रख रहे हो, कोई बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए पेपर सॉल्यूशन। और अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हो, ऑडियंस हो, तो आपको पता ही होगा बच्चा पार्टी की सैटरडे और संडे लवजी वीडियो करके मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें क्लास 12 तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। क्लास 12 के वीडियो लेक्चर्स को मैं बहुत शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कवर कर रहा होता, आप वो देख सकते हो। अभी वापस क्लास 11 में स्टार्ट करूँगा मैं इसी तरह से लवजी वीडियो पे, सो आई होप कि आप उसे ज़रूर देखेंगे। ये तो बात हो गई, अब बात कर लेता हूँ मैं मेन मुद्दे की, जो सबसे लास्ट में रख रहा हूँ, जिसे आपने थंबनेल में देखा होगा, बेस्ट बुक कौन सा रहेगा। देखो, ऐसे तो बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग कहेंगे, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, मैंने रिफ़र किया है, मैंने देखा है, इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं और ये क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। इवन एडवांस लेवल में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, और वो बुक है कॉन्सेप्चुअल देखा जाए तो डीसी पांडे। और ये एक तरह से कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए तो नहीं मैं कह सकता, कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए डीसी पांडे जैसी बुक आपको मिलेगी ही नहीं कहीं पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसे एक बार करना तो स्टार्ट करिए, फिर आप कहेंगे कि हाँ एसएसपी ने बहुत अच्छा बात कहा था। यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाँ इसकी लेटेस्ट एडिशन आप लीजिएगा 2020, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं पिछले कई सालों के सवाल, बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स होते हैं विद सॉल्यूशन, आप उसे ज़रूर देखो। जैसे सपोज आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ लिया या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन आपने किया, तो उस मोमेंटम कंजर्वेशन की प्रॉब्लम्स करना बहुत ज़रूरी है, और वो इसके अंदर टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत डीपली है जो आपके एडवांस लेवल में भी काम आएंगे। आप अगर टफ की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे वाले टॉपिक जो ईजी टॉपिक हैं वो तो आराम से हो जाएंगे, यानी अगर आप एडवांस की तैयारी करते हो तो मेन निकल सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ मेन पढ़ोगे तो एडवांस कहाँ से निकलेगा। तो पहला टारगेट यही है कि बुक किस तरह से कौन सी करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से ऐसे तो बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल है, खैर एट दी एंड आपको यही बोलूँगा कि जहाँ तक अभी तक आपने जिसमें से किया था वो आपको अच्छे से समझ में आ रही तो वो करो। ये बच्चा लोग 100 डेज़ की प्लान के बारे में मैं कह रहा हूँ कि आने वाले 100 दिनों के अंदर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया था, अगर आप यहाँ से स्टार्ट भी करते हो तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसके कॉन्सेप्ट करिए और इसमें से जो भी टॉपिक आपने पढ़ा इसके क्वेश्चन तो हैं ही, साथ साथ में यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर के उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ डन फ्रॉम टुडे सेशन, और आई होप कि मैंने जो भी बातें आप लोगों को कही वो समझ में आई होगी। मैं जल्दी इस तरह से आता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है कि मैं सिर्फ फिजिक्स को लेके आगे बढ़ता हूँ,
बट मुझे लगा कहीं ना कहीं कि आप लोगों को ज़रूरत है, इसलिए मैंने ऐसी वीडियो शूट करी। और बहुत ही जल्दी मैं बोर्ड की स्ट्रेटेजी क्या होगी, मैं क्या सोचता हूँ, उसकी भी एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा। इसे ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, बाय बाय।